Assalamu alaikum, dear students. This is your mentor, Fatma Batool. You are attending lectures on subject verb agreement. In this video, we are discussing some nouns which are plural in form but singular in meaning. अभी तक जब हम subject verb agreement की बात कर रहे थे और हम ये देख रहे थे कि number में subject और verb जो है उनका agree करना जरूरी है, लेकिन अब हम कुछ ऐसे लफ्जों के सामने खड़े हैं जो कि मानी में तो सिंगुलर है, यानी बात एक शख्स की या एक चीज की हो रही है, लेकिन जब हम उनके स्पेलिंग देखते हैं तो वो प्लूरल है। अब सिंगुलर प्लूरल का जो फर्क है वो एस या ई एस का होता है बुनियादी तौर पे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लफ्ज है न्यूज, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आई हैव अ न्यूज। अब आई हैव अ न्यूज, हालांकि न्यूज के स्पेलिंग देखें तो वो प्लूरल है, लेकिन मैं बात जिस चीज की कर रही हूँ वो सिंगुलर है। इसी तरह से बहुत सारे लफ्ज हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे वेजेस। तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, सो वेजेस ऑफ सिन, ठीक है। तो हम कहते हैं जी वेजेस, हालांकि हम बात सिंगुलर की कर रहे हैं, लेकिन जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया उसके स्पेलिंग जो है वो प्लूरल है। इसी तरह से पॉलिटिक्स, मीन्स, गैलोज। तो हमारे पास कई लफ्ज हैं जो कि स्पेलिंग में प्लूरल है, देखने में शक्ल में प्लूरल है, लेकिन उनके जो मानी है वो सिंगुलर है। तो आज जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो इसी चीज के बारे में। सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब, सच एज दिस न्यूज इज नॉट करेक्ट। अब आप देखें दिस न्यूज, दिस भी सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि न्यूज लफ्ज जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का इस्तेमाल किया। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स स्पेलिंग के एतबार से इसमें एस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, सो मीजल्स अगेन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हम याद कर सकते हैं उन अल्फाज की जो कि जिनकी फॉर्म प्लूरल है लेकिन मानी सिंगुलर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो कुछ अल्फाज जिनका इस्तेमाल हम ज्यादातर अखबार में या अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में देखते हैं। आप उनको मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हमारी जितनी भी ब्रांचेस ऑफ स्टडी हैं और जिनके स्पेलिंग प्लूरल हैं उनका मानी सिंगुलर होता है, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स और अभी हमने मैथमेटिक्स की बात की। इसी तरह से अगर हम टैक्टिक्स या एक्रोबेटिक्स की बात करें तो ये दोनों भी प्लूरल हैं अपनी फॉर्म में, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें तो फॉर्म में ये प्लूरल हैं, लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाती है। इसी तरह से कुछ और लव्स हैं, जैसे एस्थेटिक्स, आर्म्स, सिविक्स, क्लासिक्स, डायनामिक्स, गैलोस, इनिंग्स, ऑप्टिक्स, फनेटिक्स, टैक्टिक्स, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे लव्स देखने में प्लूरल हैं, लेकिन इनका जो मानी है वो सिंगुलर है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शन ये आती है कि कुछ लव्ज ऐसे हैं जो कि किसी स्पेशल केस में प्लूरल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लव्ज मीन्स, ठीक है, जराए, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। अब ये जो मीन्स है मैंने इसे सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, यानी हर तरह का जो जरिया है उसे आजमाया गया, परखा गया। ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड। अब आप यहाँ पे देखें कि ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, तो अब मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं मीन्स की प्लूरल की सेंस में कर रही हूँ। तो अक्सर राइटर्स को हम पढ़ते हैं और वो इन प्लूरल फॉर्म्स वाले अल्फाज का इस्तेमाल प्लूरल के तौर पे करते हैं। तो जब आपको कोई एक ऐसी एक्सेप्शन नजर आए तो आप मानी पे जरूर गौर करें कि राइटर एक चीज की बात कर रहा है या एक से ज्यादा की। अच्छा, अब इसी रूल की हमारे पास एक एक्सटेंशन है। There are a number of plural nouns which are taken for singulars and used with singular verbs. We have an extension of this rule, plural nouns that are commonly misused as singulars. There are a number of plural nouns which are taken for singulars and used with singular verbs, such as articles of dress. Those articles of dress that have two inseparable parts, braces, breeches, pants, pajamas, shorts, trousers, knickers. इसी तरह से वो instruments जिनके inseparable parts हों, जैसे कि compasses,
pincers, scissors, tongs, forceps, parts of body, jaise entrails, intestines, games, jaise cards, billiards, dominoes. So, हमारे पास दो तरह के लफ्ज आए, वो लफ्ज जिनकी प्लूरल फॉर्म थी लेकिन वो सिंगुलर के तौर पे ट्रीट हो रहे थे, और वो लफ्ज जिनकी प्लूरल फॉर्म है बेशक वो किसी एक चीज को रिफर कर रहे हों लेकिन हम उनको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपके लिए उन अल्फाज का इंतखाब किया है जिन्हें हम अमूमन अखबार में या रिसर्च पेपर के अंदर देखते हैं, जैसे कि एनल्स, एसेट्स, ऑस्पिसेस, क्रीडेंशियल्स, कस्टम्स, ऑड्स, प्रेमिसेस, रिमेन्स, रिचेस, सेविंग्स, स्पेक्टिकल्स, वाइटल्स। ये अल्फाज जो है इनका इस्तेमाल जो है वो प्लूरल के तौर पे होगा। सो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हर सीजर्स इज नॉट शार्प, अब ये जुमला गलत है। हालांकि कैंची एक आला है, एक चीज है कैंची, लेकिन इसके स्पेलिंग प्लूरल है। और क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट एक पेयर की शक्ल में पाया जाता है या इसमें दो इनसेपरेबल पार्ट्स हैं, तो इसको प्लूरल के तौर पे ट्रीट किया जाता है। हर सीजर्स आर नॉट शार्प, दीज गुड्स आर फॉर सेल, योर क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सो मैंने क्लोथ्स को, सीजर्स को, गुड्स को प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया है। आपका काम ये है कि मैंने आपको जो अल्फाज इस वीडियो में बताए हैं वो अल्फाज भी जिनकी प्लूरल फॉर्म है और वो सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं, और वो अल्फाज भी जिनकी प्लूरल फॉर्म है और वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आप उन अल्फाज को अच्छे तरीके से याद करें, और जब आप अपने ऑब्जेक्टिव के पेपर को हल करें तो आप उन अल्फाज को जहन में रखें और उसके मुताबिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को चेक करें। मैंने भी आपके लिए एक टास्क बनाया है जो मेरे फेसबुक पेज पे अपलोड है, उसको अटेम्प्ट करें ताकि आपको पता चले कि आपको ये रूल जो है वो कितने अच्छे तरीके से समझ आया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।